इंदौर जिले के बेटमा नगर में प्रसिद्ध दशहरा सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान बब्बी दरबार के नेतृत्व में मनाया गया। रावण दहन से पूर्व जमकर आतिशबाजी कर दर्शकों ने आनंद उठाया। मां अमन चमन की टेकड़ी स्थित दशहरा मैदान पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस बार घुड़दौड़ तथा निशानेबाजी प्रतियोगिता नहीं हो सकी, किंतु दशहरा उत्सव समिति के संयोजक राम निवास दाव के नेतृत्व में टीम ने मनोहारी आतिशबाजी कर 21 फीट ऊंचे रावण का दहन किया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष का दशहरा देपालपुर विधायक और उनकी टीम ने दलगत राजनीति से प्रेरित होकर मनाया था तथा ऐलान किया था कि अब दशहरा वे ही मनाएंगे, लेकिन इस बार वे और उनकी टीम नवरात्रि से लेकर रावण दहन तक गायब रही। इस पूरे आयोजन के प्रति विधायक का ढुलमुल रवैया आलोचना का विषय बना। एटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। दशहरा रावण दहन का जो प्रोग्राम है, जो सब समिति है, दशहरा आयोजन समिति है, संपन्न कराया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया, शर्त उन्होंने बयान किया। ये सब बधाई के पात्र हैं। यहाँ की बैठना की जनता, बैठना के लोग सभी बधाई के पात्र हैं, जिसमें सबने सोशल डिस्टेंस का पालन किया। और मैं सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। मेरा ये संदेश है सभी लोगों को, मैं कोई विधायक जी की या किसी की भी बात नहीं करना चाहता हूँ। वो इस क्षेत्र के, इस तहसील के जनप्रतिनिधि है। ये हिंदू समाज का आयोजन है और इसको हिंदू समाज दशहरा उत्सव करता आ रहा है। दशहरा, दीपावली जो भी आयोजन हुआ, सब हिंदू समाज के आयोजन है। और इसमें पिछली बार जो भी इस क्षेत्र के तहसील के जनप्रतिनिधि या इस क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि या जो लोग थे, इन लोगों ने पिछली बार हिजरत कर हमारे सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति का जो आयोजन पिछले कम से कम 75 वर्षों से मनता आ रहा है, उसमें हम सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के 45 वर्ष से एक ही अध्यक्ष को रख रहे थे और वो भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन पिछले वर्ष हम लोगों को जो भी सत्ता परिवर्तन हुआ, कमलनाथ जी की सरकार हुई, कांग्रेस की सरकार बनी, यहाँ के स्थानीय क्षेत्रीय देपालपुर क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि, इन लोगों ने ओछी हरकत कर ओछी उनके कार्यकर्ताओं ने ओछी मानसिकता दर्शा कर उन्होंने ये दर्शाया कि उन्होंने सोचा था कि अब तो किसी का कोई रहेगा ही नहीं। तो इन लोगों ने पिछले बार में नगर परिषद नगर अध्यक्ष होते हुए, जबकि हमारा भी अंत्योदय मेला और सभी पूरे नेपाल तहसील में 15 वर्ष हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, पूरे प्रदेश में शिवराज जी की, उस समय हम लोगों ने किसी को कोई शांति समिति में, नगर परिषद में, 26 जनवरी में या देपालपुर में कोई अंत्योदय का मेला होता था, उसमें जनपद अध्यक्ष कांग्रेस का था, देपालपुर नगर परिषद अध्यक्ष कांग्रेस का था। बाकी हमारे मनोज भैया का दिल बड़ा होने के कारण उन्होंने सभी लोगों को साथ में रखते थे। और यहाँ के जो क्षेत्रीय देपालपुर तहसील के जो जनप्रतिनिधि, इन्होंने, इनका दिल बहुत छोटा है, इन्होंने ओछी मानसिकता की और चुनौती के, मैं तो चुनौती में मैंने 5वीं चुनौती दी है उनको। और उन्होंने चुनौती के, उन्होंने पिछले वर्ष बोला था कि हम चंदा नहीं लेंगे, तो चंदा तो मेरी नगर परिषद से 65,000 रुपये 50,000 रुपये का मैंने बिल दिया आप लोगों को, मैंने पत्रकार बंधुओं को पिछली बार बताया। और इस वर्ष भी उनको वो जो हम लोगों पर आरोप लगाया था, मैं तो उन पर आरोप लगा रहा हूँ, क्या चंदा नहीं मिला इसलिए आपने इस गांव का, हिंदू समाज का आयोजन खराब किया? नहीं तो आपको आयोजन करना था, आप लोगों ने बोल रहे हमको अनुमति नहीं मिली, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने अनुमति के लिए कल आवेदन लगाया, आदरणीय कलेक्टर महोदय, SDM महोदय, तहसीलदार साहब और सभी SDM साहब, अपने SDOP साहब, थाना प्रभारी, सभी की अनुशंसा के अनुसार हम लोगों को रावण दहन की और आतिशबाजी की अनुमति मिली है। इस 300 वर्ष के परंपरागत आयोजन को इन लोगों ने घुड़दौड़ निशानेबाजी पिछले वर्ष फितरत करके, जिन लोगों को यही मालूम नहीं रहता कि माता जी की नवमी अष्टमी क्या होती है, आज आप मुझे बुलाकर पूछे कि मुहर्रम या और अन्य आयोजन क्या होता है, मुझे नहीं मालूम रहेगा। ऐसे लोगों के हाथों में इन्होंने यहाँ के लोकल लोगों को आयोजन दिया और इस आयोजन को पिछले वर्ष इन्होंने देकर इस आयोजन की भिजा खराब करी। हम रामनिवास जी दाऊ, गोपाल सिंह जी चौधरी, दिनेश जी गर्ग, मूलचंद जी शर्मा, कैलाश जी चौधरी, चित्रंजन जी चौहान, राधेश्याम जी जाखेड़िया और साथ ही सभी भारतीय जनता, अब्दुल कलाम, रफीक भाई मम्मी, भूरेखां घोड़ी वाले, सफदर भाई सिंह जी, सफदर भाई हमारे, मांगीलाल जी मुकाती, अंतर सिंह जी मोतला, मोहन सिंह जी कछावा, गुमान सिंह जी पंवार, सभी लोगों के मार्गदर्शन में हम दशहरा मना रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।